ऑफिशियल ट्रेलर आपको कैसा लगा नीचे कमेंट पे जरूर बताना। एंड इस बार का जो थीम है रॉयल पास का वो इंसेक्ट थीम या नेचर थीम आप कह सकते हो या जंगल थीम भी आप कह सकते हो इसके ऊपर बेस्ड है। एंड इसी के ऊपर बेस्ड आपको सारे के सारे आउटफिट, गन के स्किन एंड जो भी सारे स्किन आने वाले वो आपको देखने को मिलेगा। तो सब कुछ तो मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आप बैकग्राउंड देख लो। तो जब रॉयल पास आएगा कुछ ऐसा ग्रीनिश टाइप का आपको बैकग्राउंड देखने को मिलेगा जो कि काफी बढ़िया है। तो ये सारी चीजों को देख के ये तो पता लग जाता है कि सीजन 19 जो है ये पूरा का पूरा हरा भरा होने वाला है। हर जगह हरियाली हमें देखने को मिलेगा पबजी मोबाइल के अंदर। तो अभी फटाफट से लीक देखते हैं। तो सबसे पहला जो लीक हमारे सामने आया है, जैसे कि आप देख सकते हो रॉयल पास का सबसे पहला जो गन का स्किन इस बार आपको देखने को मिलेगा वो है एक मिनी 14 का स्किन। एंड काफी ओपी स्किन है। ये एक एक स्किन मैं आपको और भी अच्छी तरीके से आगे जाके आपको दिखाऊंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो सेकंड आता है हेड गियर जो कि काफी डोप लग रहा है देखने में। एंड इसका जो ओवरऑल आउटफिट है ये काफी बॉम्ब सा है। तो अभी आप रिवॉर्ड के रैंकिंग के ऊपर मत जाना, कहीं पर भी कुछ भी रिवॉर्ड आ सकता है। अभी भी ये बीटा लीक्स है पर ये कंफर्म है ये सब कुछ आपको रॉयल पास के अंदर इस बार देखने को मिलेगा। तो ये इमोट आप एक बार देखो, काफी डोप सा एक इमोट है। काफी दिनों के बाद काफी एक बढ़िया इमोट हमें देखने को मिलेगा रॉयल पास के अंदर। एंड ऐसा इमोट हमें सीजन 9 के अंदर एक बार देखने को मिला था जहाँ पर तलवार लेकर हमारा कैरेक्टर उछल कूद करता था, पर ये इमोट उससे भी काफी ज्यादा डोप है। मुझे काफी बढ़िया लगा है ये इमोट। आपको ये इमोट कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो अभी आते हैं नेक्स्ट रिवॉर्ड के ऊपर। तो नेक्स्ट रिवॉर्ड है एक फ्री आरपी इमोट। तो फ्री आरपी इमोट इतना कुछ बढ़िया नहीं है, सिंपल सा है, पर भाई क्या ही करें, पबजी वाले भाई फ्री रॉयल पास के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। उसके बाद अवतार आप देख सकते हो, सीजन 19 का लोगों के बारे में भी हमें पता लग जाता है ये ऑफिशियल लोगो है सीजन 19 का। फिर आता है एक ऑर्नामेंट। एंड इस बार का ऑर्नामेंट भाई अजीब सा एक ऑर्नामेंट है, आप इसे स्टोन ऑर्नामेंट भी कह सकते हो, काफ़ी पत्थर टाइप ऑर्नामेंट है। नेक्स्ट आता है आप अवतार फ्रेम देखो जो कि आपको सीजन 19 के अंदर मिलने वाला है। उसके बाद आता है बैकपैक एंड पैराशूट। तो पैराशूट जो कि फ्री आरपी के अंदर सभी को मिल जाएगा, ये काफ़ी ठीक ठाक सा पैराशूट है, इतना भी मैं बॉम्ब नहीं कहूँगा। तो आपको ये फ्री आरपी का पैराशूट का स्किन कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताना। फिर आता है हमारा बैकपैक का स्किन। एंड जैसे कि मैंने पहले आपको बताया इस बार का थीम इंसेक्ट थीम के ऊपर बेस्ड है, तो उसी टाइप का एक बैकपैक आपको देखने को मिलेगा। एंड इसका लेवल हम आगे जाके देखेंगे वीडियो के एंड में। तो उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा एरोप्लेन का स्किन। एंड मैं दावे से कह सकता हूँ इन कुछ सीजन के अंदर ऐसा एरोप्लेन का स्किन आपको नहीं देखने को मिला होगा, मतलब वन ऑफ द बेस्ट एरोप्लेन का स्किन अभी तक का पबजी मोबाइल का, इसे आप कह सकते हो। एंड एक इससे पहले एक स्किन देखने को मिला था जो कि पूरा ग्लेशियर थीम के ऊपर बेस्ड था, वो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा था। एंड ये स्किन भी काफ़ी बढ़िया है एरोप्लेन का, पूरा उडेन थीम के ऊपर बेस्ड है। फिर नेक्स्ट रिवॉर्ड एक फ्री आरपी के अंदर इस बार आपको गन के स्किन भी मिलेगा जो कि एक यूएमपी का स्किन है। नॉर्मल सा है बट ठीक ठाक स्किन है जो कि आपको देखने को मिलेगा फ्री आरपी के अंदर। तो ये यूएमपी का स्किन आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताना जो कि सभी को फ्री में मिलने वाला है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट रिवॉर्ड आपको रॉयल पास के अंदर देखने को मिलेगा वो है एक हेड गियर। एंड ये हेड गियर है तो आप किसी भी कैरेक्टर के ऊपर इसको लगा सकते हैं। जो लोगों को पबजी मोबाइल के अंदर हेयर चाहिए था उनके लिए काफ़ी बढ़िया है, एक नया हेयर स्टाइल आपको देखने को मिलेगा इस बार पबजी मोबाइल के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट रिवॉर्ड आता है एक बॉम्ब का स्किन, पर ये इतना भी ज़्यादा बॉम्ब नहीं है, नॉर्मल सा एक स्किन है, डिसेंट सा। तो मुझे तो ये ग्रेनेड का स्किन एकदम ही बढ़िया नहीं लगा है। तो आपको ये स्किन कैसा लगा नीचे कमेंट पे जरूर बताना भाई। पता नहीं पबजी वाले इसके क्यों लाए, क्योंकि इससे पहले भी काफ़ी बढ़िया बढ़िया ग्रेनेड का स्किन हमें ऑलरेडी रॉयल पास के अंदर मिल चुका है। नेक्स्ट जो हमें चीज़ देखने को मिलेगा वो है हमारा हेलमेट का स्किन। एंड इस बार का थीम जैसे कि मैंने पहले भी बताया है इंसेक्ट थीम के ऊपर बेस्ड है। तो देख पा रहे होंगे एक बिटल हेलमेट आपको देखने को मिलेगा एंड काफ़ी डोप लग रहा है इसका लेवल 3 लुक। एंड इसका बाकी के लुक हमको आगे जाके देखने को मिलेगा जो कि मैंने आपको बताया पहले वीडियो के एंड में, आपको 1, 2, 3 लेवल इसका मैं दिखाऊंगा। तो पर इसका जो लेवल 3 का लुक है ये काफ़ी बढ़िया है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट रिवॉर्ड है वो है हमारा एक नया इमोट। एंड ये इमोट भी काफ़ी ओपी सा है। एंड इस बार इलाइट रॉयल पास के अंदर दो इमोट ही काफ़ी डोप दिया गया है। तो आपको ये इमोट कैसा लगा नीचे कमेंट पे जरूर बताना। तो जैसे कि आप देख सकते हो कैरेक्टर के हाथ में आके एक इंसेक्ट बैठता है, फिर कैरेक्टर इस इंसेक्ट को खा लेता है या क्या करता है पता नहीं, पर भाई काफ़ी डोप लगता है देखने में। पर ये जो दो इमोट है इस बार का दोनों ही काफ़ी ओपी है एंड दोनों ही जो मिथिक आउटफिट है उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो फिर एक आप अवतार देख सकते हो। एंड फिर आता है भाई एक AKM का स्किन। एंड सच्ची बताऊं अभी तक का रॉयल पास का वन ऑफ द बेस्ट AKM का स्किन है ये, मतलब आप इसे ही बेस्ट स्किन कह सकते हो रॉयल पास के अंदर जो अभी तक हमें मिला है। एंड काफ़ी ओपी स्किन इस बार दिया जाएगा हमें रॉयल पास के अंदर। एंड भाई आपको ये AKM का स्किन कैसा लगा नीचे कमेंट पे ज़रूर बताना।
मैं तो भाई काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये AKM के स्किन के लिए, मुझे तो भाई काफ़ी OP स्किन ये लगा है। तो अभी हम देख लेते हैं 100 RP वाला आउटफिट। तो जैसे कि आप देख सकते हो जनरल फीचर सेट इस आउटफिट का नाम है। ओवरऑल आउटफिट काफ़ी डोप लगा है एंड OP आउटफिट आप एक तरीके से कह सकते हो। एंड सीजन 19 के अंदर भी हमें 2 आउटफिट का भी चॉइस मिल सकता है। सबसे पहला ये आउटफिट आप देख लो जो कि एक मेल कैरेक्टर के लिए आउटफिट को बनाया गया है एंड काफ़ी डोप आउटफिट है। इसके साथ साथ जो हेलमेट का स्किन है एंड बैकपैक का स्किन है ये भी मैच करते हैं इसके साथ, जो कि काफ़ी बढ़िया लगता है देखने में। एंड अभी जो दूसरा आउटफिट आप देख सकते हो इसका नाम है इंसेक्ट एंड इसका हेडगियर आप देख लो काफ़ी डोप हेडगियर है एंड भी काफ़ी बढ़िया बनाया गया है। एंड इसका चांसेस है कि इस बार हमें 2 आउटफिट के बीच में चॉइस रहे 100 RP के अंदर, पर ये कन्फर्म मैं आपको नहीं बता सकता, 90% चांस है